ये इसका ECU है, ये BS6 जो 350 गाड़ी आ रही है इसका ECU है। ये पिन देख सकते हैं आप, और ये इसका कनेक्टर, ये भी बड़ा हैवी कर दिया है। और मैं आपको BS3 का ECU दिखाऊं तो आप कहोगे कि वो बहुत छोटा है। ये देखिए, ये BS3 का ECU है, बस आप देख सकते हैं। देखिए, हेलो गाइज, आई एम हेक्राम फ्रॉम नॉलेज ऑफ रॉयल इनफील्ड। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ECU है, यानी कि जो BS6 में ECU आ रहा है, उसका क्या काम है बाइक में। क्योंकि आपने EFI बाइक का नाम सुना है, तो उसमें जो EFI है उसमें एक ECU होता है, और ECU मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये इसका ECU है, और ये 48 पिन का ECU है। ECU से क्या होता है कि जो हमारा एक तो ABS और एक हमारी जो बाइक की स्टार्टिंग की और फ्यूल सप्लाई की और जितनी भी कमांड्स हैं ECU के थ्रू हमारी बाइक को दी जाती हैं, तो तभी हमारी बाइक अच्छे से रन कर पाती है। तो जो आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारी बाइक है उसका मास्टरमाइंड ये है, ये माइंड है उसका। इसी के थ्रू सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी बाइक के अंदर होती हैं, जितने भी सारे सेंसर हैं, क्योंकि जो अब BS6 मॉडल आ रहा है इसमें 7 सेंसर आ गए, और 7 सेंसर को जो ऑपरेट करता है यही ECU के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं वो, और इसी से कमांड भेजी जाती है कि भाई कि किस सेंसर का क्या काम है और उसको ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ECU ही है जिसकी वजह से आपकी बाइक की जितनी प्रोग्रामिंग है वो चलती है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अभी मेरे को कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन इसका प्राइस करीब 13-14 हज़ार से ऊपर ही होगा। तो अगर ये एक बार ख़राब हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें ये 48 पिन का जो ECU है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है एक, और ये वैसे तो इसमें कोई कंपनी दी नहीं गई है, क्योंकि जो पहले जो BS3 का ECU आता था, ये देखिए, ये BS3 का ECU है और इसके अंदर 36 पिन का ECU ही आता है। और इसमें पहले 5 सेंसर आते थे जो जिनको ये ऑपरेट करता था, और पूरी बाइक को जो कमांड प्रोग्रामिंग है सारी इसके थ्रू होती थी। लेकिन अब ये छोटा है, अब क्या है, अब ECU बड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं इसको, ये ECU बड़ा कर दिया है, और अब इसके साथ ABS भी जुड़ गया है BS6 में, लेकिन इसके साथ ABS नहीं था। तो अब के ECU में और पहले के ECU में देखिए BS3 और BS6 के ECU में क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है इससे, और इसके कपलर भी अलग हैं, और जो हमारा BS4 का ECU था वो छोटा ECU है, और ये जो BS3 का ECU है इसकी कीमत 9,300 रुपये के करीब है, और जो हमारा BS4 का ECU आता है वो 6,000 रुपये के करीब आता है। तो ECU ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी पूरी गाड़ी चलती है और सारी प्रोग्रामिंग इसी के अंदर होती है। जो भी आपकी, मैंने आपको बता दिया, जितने सारे सेंसर हैं इसी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो सेंसरों के ऊपर बनाऊंगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका ध्यान आपको अच्छे से रखना है, इसकी कोई पिन ना टूट जाए इसलिए इसको अच्छे से, और इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ECU की जो पिन है इनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसमें फिर कार्बन जमने लग जाता है, और कार्बन अगर जमने लग गया तो इसकी एक भी पिन अगर टूट गई तो उससे फिर बाइक में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा ही है, आप खुद आपने देख रहे होंगे। तो चलिए,